भाईजान अब्दुल्ला कुछ कहेंगे आप? एक मिनट। आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का कहीं से नाम नहीं ले रही हैं। जहां डबल बर्थ सर्टिफिकेट के मामले में अब्दुल्ला आजम, आजम खान और आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर की जेल में बंद थे, वहीं रविवार को सुबह सुबह यानी कि 4:40 के करीब अब्दुल्ला आजम और आजम खान को जेल से शिफ्ट किया जाने लगा, जहां पर पहले आजम खान ने गाड़ी में बैठने से इनकार कर दिया। अपनी उम्र का हवाला देते हुए उन्होंने बीच में बैठने से इनकार किया और मीडिया से मुखातिब होते उन्होंने यहां तक कह दिया कि हमारा एनकाउंटर हो सकता है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई में शिफ्ट कर दिया गया है। बता दें कि हरदोई जिला कारागार में उन्हें शिफ्ट किया गया। 8:20 के करीब अब्दुल्ला आजम 3 गाड़ियों के काफिले के साथ पुलिस लाइन में हरदोई जिला कारागार पहुंचे। यहां से सूटकेस के साथ उन्हें अंदर तुरंत पुलिस की टीम लेकर चली गई। अब्दुल्ला आजम से सवाल करने की भी कोशिश की गई लेकिन वो मीडिया से मुखातिब नहीं हुए। उन्होंने मीडिया का अभिवादन स्वीकार किया जिसके बाद वो अंदर चले गए। देखिए तस्वीरें आप भी। थोड़ा सा पीछे हो जाओ, सुनो भाई, आराम से भाईजान अब्दुल्ला कुछ कहेंगे आप? एक मिनट। आपको बता दें कि आजम खान के साथ उनकी पत्नी और बेटे को फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से 7 साल की सजा सुनाई गई है। आरोप है कि शैक्षणिक प्रमाण पत्र में अब्दुल्ला आजम का डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1993 है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर उनका जन्म 30 सितंबर 1990 बताया गया है। ये मामला हाईकोर्ट पहुंचने के बाद इस पर सुनवाई हुई और अब्दुल्ला की तरफ से पेश किए गए जन्म प्रमाण पत्र को फर्जी पाया गया, जिसके बाद स्वार सीट से उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। और इस मामले में अब उनके माता पिता तंजीम फातिमा और आजम खान समेत अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुना दी गई है। फिलहाल तंजीम फातिमा जहां रामपुर जेल में ही है, वहीं अब्दुल्ला आजम और आजम खान को शिफ्ट किया गया है। देखना होगा कि इस पर समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। हरदोई से प्रशांत पाठक की रिपोर्ट, यूपी तक।